सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको गेमिंग चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करने के बारे में बताया और इस वीडियो में आपको उसी लोगो के लिए एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्रिएट करने के बारे में बताऊंगा। और गाइस, आपको एडिटिंग का ज्यादा झंझट नहीं करना है तो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में इसका सोल्यूशन दे दूंगा, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो गाइस, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल डी के यूट्यूब चैनल। सो चलिए सच की जबरदस्त वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मैंने यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जो न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, आपको सबसे पहले इसे डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और इमेज साइज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो कॉलम दिख रहे हैं तो आपको इन दोनों में लिखना है 3840। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसका रेशियो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपको नीचे में थर्ड नंबर ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आना है और इसके साइज को इंक्रीज करना है। इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको कलर के अंदर इसे ब्लैक कर देना है और राइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको लेयर पर क्लिक करके इसे लो कर देना है ताकि ये यहाँ पर एकदम फिट रहे। अब वापस आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ यहाँ तक ले आना है इसे और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। अब यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना है और अब यहाँ पर आपको स्लाइड बार को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और राइट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको मर्ज कर देना है। यहाँ पर ये मर्ज हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है स्लाइड बार को और इरेज कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है और राइटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल करना है। यहाँ पर आपको जो ग्रेडियंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। और गाइज, आपको अब यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके जिस भी कलर को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करना है और वापस कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसा मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ आपको सेम वैसा ही करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट कलर सिलेक्ट हो चुका है, वैसे ही सेकंड कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं और इसको यहाँ पर लाना है और इसको यहाँ पर ले आना है। अब यहाँ पर आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर लॉक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही वापस स्क्रीन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर वापस सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। अब यहाँ पर आपको कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल करना है और जो कलर आपने ग्रेडियंट के अंदर सेलेक्ट किया था उसी को सिलेक्ट करना है और प्लस का आइकन पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसको बैक भेज देना है और अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर ही हमने बॉर्डर क्रिएट किया था, अब यहाँ पर आपके लॉक हैं तो आप इसे अनलॉक कर दीजिएगा और वापस इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और शेडो का ऑप्शन है तो इसे इनेबल कर देना है। और यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसको 6 पर रखना है और सेकंड को भी 6 पर कर देना है। अब यहाँ पर आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखते हैं ऊपर में 50,000 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। गाइज, अब आपको इसे वापस लॉक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है और यहाँ पर आपको इसका कलर ब्लैक कर देना है। अब यहाँ पर आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसको यहाँ पर आपको प्लस 16 पर रोटेट करना है। आप देखते हैं कि यहाँ पर आ चुका है और आपको इस तरीके से इसे यहाँ पर लाना है और जो ग्रिड लाइन्स हैं उनको हाइड करने के लिए वापस इस पर क्लिक कर देना है। अब एक इमेज को इंपोर्ट करना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। गाइस, इस इमेज को इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके इसे कलर को इनेबल करके यहाँ पर आपको ब्लैक को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस लेयर को थोड़ा सा पीछे भेज देना है। अब गाइस, इसकी ओपेसिटी को यहाँ पर 25 कर देना है, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है।